नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हम गांधीनगर स्थित सुभाष गर्ग के आवास में हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है। क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, देखते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी जी यहाँ आए हुए हैं, साथ में हमारी प्रदेश की अध्यक्ष महिला की श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं, ऑल इंडिया की प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे के सारण जी हैं, अरविंद सामरा जी हैं, विजेंद्र वीरेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ये जो आज के इस मीट दी प्रेस कार्यक्रम में जो मुख्य देश है उसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे त्रिलोक त्यागी जी, और जो इसके पीछे भूमिका मैं बता दूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है 23 दिसंबर को, उसके उपलक्ष्य में साथ ही अन्य चर्चा हमारे त्रिलोक त्यागी जी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का सुभाष जी ने भी किया और पार्टी की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ सुभाष जी के निमंत्रण पर सब इकट्ठे हुए। 23 दिसंबर हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, 120वीं जयंती उनकी भरतपुर में मना रहे हैं। भरतपुर में किसान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन जो हम लोग भरतपुर में मना रहे हैं, और एक बड़ी रैली वहाँ, बड़ा किसानों का, मजदूरों का समूह इकट्ठा होगा। उस कार्यक्रम के हमारे जो संयोजक हैं वो सुभाष गर्ग जी रहेंगे, जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं पर लोकदल के नेता हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं। उनको ये उन्हीं के क्षेत्रीय शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने सारा जीवन गांव, गरीब और किसान के लिए काम किया। आज सबसे बड़ी उपेक्षा जो देश में हो रही है सरकार के द्वारा, वो किसानों की हो रही है। आज किसान को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने वादा किया कि 22 में हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो 22 के आते आते बिजली का रेट दुगना हो गया। राजस्थान में उतना नहीं बढ़ा, उत्तर प्रदेश में तो 100 रुपये का 180 रुपये हॉर्स पावर हो गया। सब जगह खाद पर महंगाई हो गई। खाद के कट्टे से 5 किलो खाद निकाल लिया यूरिया से, उसका रेट नहीं बढ़ाया तो 5 किलो खाद कम कर दिया। आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने खाद का वज़न 50 किलो के बजाय 45 किलो किया। ये ऐसे सवाल हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जिस तरह व्यापार, बड़े व्यापारी चोट करते हैं, जो खाद कारखाने के मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसा बढ़ाते नहीं हैं, उसमें से 5 किलो खाद निकाल लिया। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि किसान की फसलों के दाम बढ़े नहीं हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ी हैं, तो 22 में किसान की आमदनी आधी हो गई है। जो ये सरकार झूठ बोलती थी, लगातार केंद्रीय सरकार ये वादा कर रही थी, ढिंडोरा पीट रही थी कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। डीजल का रेट आपने 60 रुपये, जब मोदी जी आप आए थे तो आपने 100 रुपये पहुंचा दिया उसको, तो किसान की आमदनी कहां से बढ़ गई? डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, किसान की ज़रूरत की सारी चीज़ महंगी है, उसके बच्चों की फीस बढ़ गई, तो उसकी तो उसके खर्चे बढ़ गए, आमदनी उसकी दोगुने के बजाय आधी हो गई, ये मेरा कहना। तो ये लगातार एक झूठ फैलाने का प्रोपगंडा चल रहा है। बीजेपी जो नाम है अंग्रेजी में, इसका सही माने में भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसका सही नामकरण है बहुत झूठी पार्टी। लगातार झूठ फैलाती है, उसमें आप लोगों का भी इस्तेमाल करती है, मीटिंगों का भी इस्तेमाल करती है, और लगातार झूठ फैलाने का काम करती है। तो राजस्थान में इन्होंने, जब भी इनकी सरकार आई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश में कोई काम नहीं कर रहे। बेरोजगारी सबसे बड़ी है आज देश में। सबसे बड़ी खतरनाक बात तो यह है कि बेरोजगारी का आंकड़ा देना बंद कर दिया।
जब से सरकार आई है तब से किसी को ये नहीं मालूम है, आप बुद्धिमान लोग हो, किसी को मालूम नहीं है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। पहली सरकार है जिसने आंकड़ा ही देना बंद कर दिया और कह रही है कि हम तो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया, भारत का नाम भी इंडिया में तब्दील कर दिया। अब कोई योजना भारत के नाम पर नहीं है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया। तो ये नए अंग्रेज भारत में पैदा हुए हैं जो अंग्रेजीकरण का बहुत बड़ा प्रस्ताव। आपने कहा कि हम कोई मुद्रा कोई योजना लाए कि उसमें हमने इतने करोड़ रुपए बांट दिया। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ, आप कहीं जा के पता कर लें, कहीं भी बेरोजगार नौजवानों को पैसा नहीं मिला। पैसा मिला दो परिवारों को, या तो संघ में काम करता हो या भारतीय जनता पार्टी में काम करता हो, उनके परिवारों को केंद्र सरकार से पैसा मिला है, बेरोजगार नौजवानों को नहीं मिला। बैंकों को ये हिदायत है कि जब तक उनका कोई नेता उसको नहीं वेरीफाई करेगा तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो पैसा बटा है, ये तो कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने हज़ार करोड़ बांट दिया। मेरी डिमांड है, आरएलडी की डिमांड है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि ये पैसा किन परिवारों को गया, किन घरों को गया। मेरा आरोप है ये आरएसएस से संबंधित परिवारों को ये पैसा भेजा गया। तो ये तमाम काम हो रहे हैं तमाम संस्थाओं में, उनमें एक विचारधारा के लोगों को थोपा जा रहा है। जो विचारधारा नागपुर से चलती है, गांधी की विचारधारा को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सरकार लगातार एक विचारधारा को थोपने का काम करे। अब तो और गॉडसे की मूर्ति लगाने की चर्चाएँ करते हैं, गांधी के बारे में झूठ फैलाना, नेहरू के बारे में झूठ फैलाना और आज़ादी के इतिहास को सही से ना प्रचलित करने का भी काम चल रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं। हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। खेत मजबूत हो, गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, और जयपुर में भी ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। मोदी जी आए थे कि देश में इतने स्मार्ट सिटी नए बनेंगे, तो नया स्मार्ट सिटी तो कोई बन नहीं पाया 8 साल में। एक शहर का नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी वाले, आप पूछ लेना कौन सा स्मार्ट सिटी बना। हाँ, जो पुराने शहर हैं उनमें कूड़े के ढेर लग गए हैं। जहाँ जहाँ इनका नगर निगमों में कब्जा है वहाँ वहाँ सब गंदगी फैली हुई है। तो इन्होंने शहरों को भी गंदा करने का काम किया। तो ये पार्टी केवल बड़े उद्योगपतियों को बड़ा करने का काम कर रही है। कोरोना काल हमने झेला, 2 साल में किसी की भी आमदनी नहीं बढ़ी। सिर्फ 2 व्यक्ति हैं देश में जिनकी आमदनी मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के शासन में अब तक अंबानी की आमदनी 2 गुनी हुई और अडानी की 2.5 गुनी हुई है। बाकी मैं किसानों से बात करता हूँ, नौकरी वालों से बात करता हूँ, पत्रकार साथी यहाँ खड़े हैं, इनकी अगर तनख्वाह 2 गुनी हो गई हो इस समय में तो मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं किसी का बढ़ा है। हाँ, बढ़ा जरूर है कि अंबानी जो हज़ारों में था आज दुनिया का 3रे नंबर का सेठ हो गया। 6 एयरपोर्ट उसको दे दिए गए, जयपुर एयरपोर्ट भी उसी को दिया गया, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, गुवाहाटी, ये सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। ये गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है यूपी में, वो भी अडानी को दे दिया गया। कोयले की खदन पर कई हज़ार करोड़ का गवर्नमेंट ने, बैंक ऑफ इंडिया ने गारंटी दिया तब ऑस्ट्रेलिया से, और मोदी जी कह रहे हैं कि आपको बाहर का कोयला लेना पड़ेगा। बाहर के कोयले का मतलब क्या है कि अडानी का कोयला यूज करेंगी राज्य सरकार। राज्य सरकारों को हितात है, देश का प्रधानमंत्री अडानी की वकालत कर रहा है। ये पहली दफ़े हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री एक परिवार के एक आदमी की वकालत कर रहा है। ये कभी सुना आपने कि आपको विदेश का कोयला लेना पड़ेगा, और विदेश के कोयले का मतलब वो 20% महंगा, तो वो पैसा अडानी की जेब में जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी जी ने को मोदी जी ने ये वादा कर दिया कि जब तक मैं सरकार में रहूँगा तब तक आपको दुनिया का नंबर एक पहुँचाऊँगा। पहले हिंदुस्तान का नंबर एक किया, फिर एशिया का नंबर एक किया, अब वो दुनिया में 3रे नंबर पर पहुँच गए। तो इनका इरादा भारतवर्ष के तमाम लोगों का पैसा अडानी जी के यहाँ भेज के नंबर एक पहुँचाना है, ये इनका कार्यक्रम है। देश में 100 लोग होंगे जिनकी संपदा आधे हिंदुस्तान के बराबर है। डॉक्टर लोहिया कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि ये दूरी घटनी चाहिए, ये दूरी खाई चौड़ी हो रही है, ये कम होनी चाहिए। इन्होंने इसको और चौड़ा कर दिया।
गरीब गरीब होता जा रहा, रईस रईस होता जा रहा। तो इन तमाम सवालों पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने का मतलब राजस्थान में हम उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ सुभाष जी के देख रेख में ये संयोजक हैं, ये सब उसको कर रहे हैं और हम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी को लगाएंगे। और कल हम लोग गहलोत साहब से मिले थे, सुभाष जी और मैं, हम सब साथी, हमने उनको भी आमंत्रित किया और लोगों को आमंत्रित करेंगे। हम उसमें सभी लोगों को इकट्ठा करके उनकी जयंती मना रहे थे 1 दिसंबर को। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, कोई सवाल आपसे मुझे करना हो तो। राज्य सरकार भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और ये सारे काम तो कर रही है? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए एक फ़र्क है, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। मैं अंग्रेजी पढ़ने के विरोध में नहीं हूँ, भाषाओं का ज्ञान जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। मैंने इसलिए कहा कि योजनाओं का नाम भी स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, शुरू इंडिया, ख़त्म इंडिया, सब इंडिया से किया जा रहा, वो मेरा विरोध है। भारत जोड़ दो यार, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? हिंदुस्तान जोड़ दो। हाँ, भारत तो जोड़ रहे हो साहब आप, राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। नहीं नहीं, राहुल जी की यात्रा नहीं, राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो हम स्वागत कर रहे हैं, हमें कहाँ दिक्कत है? जो भारत तोड़ रहे हैं ना, हमें उनकी विरोध कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं उस सवाल को खड़ा नहीं करना चाहता था, पर आपने शुरू करा दिया। इनका एक ही उद्देश्य है, जब जब चुनाव आएगा तब तब इनको गुजरात का चुनाव आएगा तो मोदी जी को पाकिस्तान आएगा। अब याद करो, मैं आपको हर साल का बता सकता हूँ, कभी पनडुब्बी में बदमाश आ जाते हैं पाकिस्तान के जब ये चुनाव लड़ते हैं गुजरात का। नगर निगमों के चुनाव में भी गुजरात से थ्रेट आती थी मोदी जी को पाकिस्तान से, और अब कोई ना कोई फिर थ्रेट आ जाएगी। ये सारा चुनाव, ये तीन चीज़ जानती है पार्टी, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। ना शिक्षा में सुधार है, ना रोज़गार पे सवाल है, ना किसान का कोई सवाल है, तीन ही चीज़ों पे राजनीति करती है। और ये कोशिश करती है कि हम एक एजेंडा फिक्स कर दें। अब मनमोहन सिंह ने बोल दिया कि देश की संपदा पे पहला हक जो है माइनॉरिटी का है, तो ये माइनॉरिटी नहीं बोलते कि मनमोहन सिंह ने बोल दिया कि देश की संपदा मुसलमानों का हक है। अब मुसलमान तो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने माइनॉरिटी बोला। माइनॉरिटी बौद्ध हैं, क्रिश्चन हैं, जैन हैं, सिख हैं, माइनॉरिटी में तो बहुत लोग हैं, पारसी हैं। और फिर मैं अगर आगे जाऊंगा तो नॉर्थ इंडिया में हिंदू माइनॉरिटी में है, मैं कश्मीर में जाऊंगा तो हिंदू माइनॉरिटी में, वो लंबी बात हो जाएगी। इनको ज्ञान नहीं है, चूँकि मंद बुद्धि और कुंद बुद्धि के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। मेरा आरोप है कि इनकी बुद्धि मंद है और बुद्धि कुंद है, ये नागपुर की डायरेक्शन पर चलते अपना दिमाग नहीं करते। बताइए माइनॉरिटी का कौन सा है? अरे माइनॉरिटी हक मिलेगा तो कश्मीर में हिंदू को मिलेगा, 7 सिस्टर में हिंदू को मिलेगा, गोवा में हिंदू को मिलेगा। मैं स्टेट गिनवा दूंगा तो आधा हिंदुस्तान गिनवा दूंगा फिर मैं, पर इनको नहीं पता हिंदुस्तान का नक्शा। ये तो हर वक्त आपके द्वारा झूठ फैलाते हैं कि साहब मुसलमान को मिलेगा, मुसलमान कहीं नहीं बोला उन्होंने। और मैं उसका समर्थन करता हूँ कि हम लड़ाई, चौधरी गांधी जी ने कहा था अंतिम आदमी, चौधरी चरण सिंह ने कहा मामूली आदमी, तो अंतिम और मामूली आदमी में अगर माइनॉरिटी के लोग कश्मीर में हिंदू हैं तो हम उनके साथ हैं। अब कश्मीर के मुसलमान अगर बुरा मान जाते इसमें मैं क्या करूँगा? अगर नॉर्थ ईस्ट के ईसाई बुरा मान जाएं और वहाँ के बौद्धिस्ट बुरा मान जाएं उसके सिक्किम के, तो इसमें मैं तो सॉरी बोलूंगा। सब तो ये कहते हैं ना कि कश्मीर के हिंदुओं को जो आज माइनॉरिटी स्टेटस मिला है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप लोग ही खड़े हो। नहीं नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस हमने थोड़ी वहाँ माइनॉरिटी बनाया है, लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू माइनॉरिटी में चले गए यार। ये तो ये सोचे धर्म के ठेकेदार, मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं, मैं तो लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। ये तो धर्म के ठेकेदारों पर विचार ही, तो उनसे पूछना चाहिए, जो आपके पास कोई साधु आए उससे पूछिए कि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में क्यों चला गया। चलिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आप अभी अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस के जो है जी मंत्री जी हैं यहाँ पे, अभी आपने उनको जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको आमंत्रित भी किया है जी जी, लेकिन वो भी अडानी जी को काफी जमीन दे रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर में, और उनको देखिए उसका जवाब मैं दूंगा। ये मैं देता हूँ, बाद में कर लेना। ये जो कह रहे हैं, देखिए जो अशोक जी कर रहे हैं, अशोक जी कांग्रेस के नेता हैं, वो एक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को इन्वेस्टमेंट भी लेना होता है, उनको अपने इंडस्ट्री भी लगानी होती हैं,
मैंने इन्वेस्टमेंट को मैंने नहीं किया मोदी जी को, मैंने तो कहा कि कोयला बेच रहे हैं मोदी जी अडानी का, मैंने कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए, मेरे आपने मेरी भाषा को सही से समझा ही नहीं। अगर अडानी 50 इंडस्ट्री लगाए गुजरात राजस्थान में तो मैं उनको वेलकम करूंगा, मैं उसका विरोध कर रहा हूं जो सरकार अडानी को दे रही है, सरकार एयरपोर्ट बेच रही है। नहीं, इसको मैं संशोधन कर दूं। हाँ। जो आपने कहा उसका समझिए कि कोयले का इंपोर्ट करने का अधिकार एक परिवार को दे रखा, ठीक है, तो पॉलिसी एंड प्लानिंग का फायदा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाना वो गलत है, सारे इंडस्ट्रीज को पहुंचे वो फायदेमंद है। तो राजस्थान में जो पॉलिसी दी, चाहे रिप्स 2019 दी और अभी भी दी, और जो इन्वेस्ट किया सबके लिए एक जैसी पॉलिसी है, नॉट पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, तो वो अंतर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोयला 20% अबव हमको मिल रहा है, और जो हमारे ऊर्जा मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री ने बात उठाई है कि ये बाध्यता क्यों, क्या आपको इतना कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों बाध्यता है भाई, जब देश में मिल सकता है, देश की खदानों में मिल सकता है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी जी। तो बात यह है, इसका मतलब आप किसी को, आप आज मीडिया के लिए हम कोई पॉलिसी करते हैं कि सबको प्लॉट मिलेंगे, सबके लिए मिल रहे हैं, केवल एक 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 मीडिया के हाउस के लिए हम कहते हैं कि नहीं साहब हम इनको विशेष रूप से देंगे, वो गलत है। तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पॉलिसीज इस तरह की फ्रेम करके दे डिसाइड दी पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज जो पर्टिकुलर 2 या 3 ग्रुप्स हैं, दे डिसाइड दी पॉलिसीज एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट दी पॉलिसीज, दैट इज अ डिफरेंट। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए बॉम्बे एयरपोर्ट का, आपको मालूम है किसने बनाया बॉम्बे एयरपोर्ट को, अभी जो एक्सपेंशन हुआ पूरा JVG ग्रुप किसने किया, और उसको बाध्य करके जबरन बेचना पड़ा इनको अडानी जी को। तो बात वो रही है, जो चौधरी चरण सिंह जी की जो बात हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके पीछे ये किसान मजदूर युवा खेतीहर, इनको जब तक हम मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, और जो पॉलिसीज हैं आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से गैप बढ़ रहा है और जिस तरह से महंगाई और गैप को बढ़ा रही है, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, जो इनकम की जो गैप है वो तो आप देख रहे हैं, आंकड़े रोजाना कह रहे हैं इस चीज़ को, आंकड़ों को ही छापना बंद कर दिया, बेस ईयर चेंज कर दिया गया, तो आंकड़ों पर तो बात ही नहीं करना चाहती सरकार, नीति आयोग का आपको मालूम है क्या फंक्शन कर दिया, जो पॉलिसी पूरा एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, और जिसमें किसान युवा मजदूर खेतीहर इन लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है, और सभी फोर्सेस को हम उसमें इन्वाइट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल हम आएंगे, मैंने और लोगों से भी अनुरोध किया, तो उस उपलक्ष्य में आपको यहाँ बुलाया गया। दो मिनट, हाँ, देखिए ऐसा है, देखिए नहीं, ये भी पहले हम 2 सीट लड़े थे, हम लोगों का कांग्रेस से गठजोड़ है, यहाँ हम अपने संगठन बना रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं, हम लोग हमारा कांग्रेस में, हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़े हैं, अगले चुनाव की तैयारी भी हम लोगों की है। अब सीटें तो हम लोग बात करके, अशोक जी से बात करके बताएंगे, हाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हमारा पहला अधिकार है। और रहा सवाल जो आपने, जो अभी सुभाष जी ने बीच में कहा, इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मेरा यही आरोप है कि एक कुछ पर्सनों को चुनकर उनको बड़ा बनाया जा रहा है, उनको सारी संपदा दी जा रही है, और कांग्रेस ने, ये कांग्रेस ने नहीं, देश के किसान ने, मजदूर ने, सब ने मिलकर सारी संस्थाएं बनाई हैं। जब से मोदी जी आए हैं एक संस्था का नाम बता दें मैंने वो बनाई है, एक बताएं कि हमने ये बनाया 8 साल में। हाँ 8 साल में आप बेच रहे हो, आप तो रेलवे लाइन भी बेच रहे थे आपने। अब जो मैं एक बात आपसे बोलूँ कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस टाटा की थी, टाटा एयरलाइंस थी ना, इन नौजवानों को नहीं मालूम है, पंडित नेहरू ने टाटा एयरलाइंस को टाटा से लेके भारत सरकार की एयरलाइन बनाया था, उसको इंडियन एयरलाइन बनाया था, बाद में वो एयर इंडिया में तब्दील हुई। ये पंडित नेहरू ने किया था, कांग्रेस ने किया था, आपने फिर उसको टाटा को भी दे दिया। नहीं, घर वापसी तो बहुतों की कर रहे हैं। अब मैं दूसरे, देखिए मैं, एक बड़ी बात है, ये बात बहुत बहुत सीरियस है। कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ने कुछ नहीं किया, और वो तो अब तो ये भी कह रहे हैं कि अटल जी ने भी 6 साल में कुछ नहीं किया। ये तो टोटल सारा इस 8 साल में देश आज़ाद हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री जी श्रीलंका नहीं गए, तो वरना रावण को भी भारतीय जनता पार्टी मोदी से ही मरवा देते भाई, इनका कुछ पता नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि रावण को जो है मोदी ने मारा, ये तो पहले नकली रावण मरा था इनका। 8 साल में अडवाणी जी को भी खत्म, अटल जी को भी खत्म कर दिया 6 साल का। तो मेरा ये कहना है कि ये इनका एक प्रचार तंत्र बहुत जोरों से चल रहा है,
और उसको हम लोगों को हमारे साथियों गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रचार को करेंगे। और जो बात आप उठा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुभाष जी ने उसको एक्सप्लेन किया, हमारे पास कोयला का खदान है। आपने जानबूझ के अपने कोयला खदानों को बंद करने के लिए मुकदमे खदान बंद, जो एक योजना के तहत कोयले की खदान बंद की गई और उसका जो पहले साल से शुरू हुआ था उसका इम्पैक्ट अब आ गया है कि 20% कोयला ऑस्ट्रेलिया का आ रहा, अपनी खदानें बंद कर दी गई और वो खदानें अडानी के लिए बंद की गई हैं। ये मेरा आरोप है। मेरा ये कहना सारे एयरपोर्ट अडानी को बेचना। मैं अभी पहली दफ़ा आया था, मैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचा तो मैंने कहा भी लॉन्च कहाँ है, मैंने थोड़ा पहले पहुँच गया तो एक मुझे लड़की और लड़का खड़े मिले, नुसर आइए आप। मैंने कहा भाई ये क्या, कहने लगे यहाँ इसमें पता नहीं 300-500 रुपये बताए कि साहब इतने का कूपन ले लीजिए और आपको खाना भी मिलेगा। मैंने कहा ये क्यों, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तो लंच करके आया हूँ। बोले नहीं साहब। मैंने कहा ये किसका है भाई, कहने साहब अडानी साहब का है। मैंने कहा तो कोई वो होगा प्राइवेट लॉन्च होते, कहने नहीं नहीं अब प्राइवेट कुछ नहीं है, अब तो जो भी कुछ अडानी का। तो भाई मेरे यारों बैठने की जगह भी छीन ली हमारी, तो हम लोग जो बैठ जाते थे एयरपोर्ट वो भी छीन गई हमारी। तो मोदी जी बड़ी कृपा आपकी कि आपने वो लॉन्च भी जो हमारा लॉन्च था जिसमें हम वेट कर लेते थे वो भी अडानी लॉन्च बना दिया। अब छोड़िए पता नहीं क्या क्या, मैं बड़ी बात तो हल्की हो जाएगी पर कहूँगा ज़रूर, जितना देश में हमारे नेताओं ने बनाया है, आज गांधी के लोगों ने देश को आज़ाद कराया और सन 47 से लेकर जब तक 14 तक ये आए महाराज जी तब तक सब ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, प्रधानमंत्री जी जो चौधरी चरण सिंह जी ने दगड़े सन 78 से लेके 80 तक भरवाए थे, काम के बदले अनाज की योजना सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने लागू की, किसानों के जो मजदूरों के लड़कों को गेहूं दिया गया प्रधानों के द्वारा, दगड़े भरे उन पर खरंजा लगाया, जो बजट 20-80 का था चौधरी चरण सिंह ने उसे 40-60 किया, उस पर खरंजे लगे। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए गाँव की सड़कों को काली किया, सब ने काम किया है। एक आदमी ऐसा जो कह रहा मैंने ही काम किया अब तक किसी ने नहीं किया, तो मेरा आरोप है कि दो गुजराती बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, बाकी सब जीरो बटा लड्डू सन्नाटा है, जीरो बटा सन्नाटा है देश। थैंक यू। दो खरीद रहे हैं दो बेच। जी बताइए, राजस्थान के किसानों की बात संतुष्ट है, यहाँ के किसानों की स्थिति को लेकर देखिए होगा आयोजन इसमें? देखिए ऐसा है आपका सवाल बड़ा बहुत बारीक सवाल आपने किया है। क्या नाम आपका? दीपक मेहता। कौन से उसमें है? दैनिक जलते दीप से। ऐसा है मेहता जी, संतुष्ट तो जितने सब खड़े हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी तो बात नहीं करता, जिनके बच्चे हैं वो हमारे बच्चे भी संतुष्ट नहीं हैं, और कई बार तो बीबियाँ भी खर्चे पानी से संतुष्ट नहीं होती। संतुष्टि के सवाल का तो कोई जवाब नहीं है, पर हाँ ज़रूर है कि राजस्थान के किसानों को और सुविधाएँ मिलनी चाहिए। अगली सरकार गहलोत जी की बनेगी तो हम एक साझा कार्यक्रम करेंगे, सुभाष जी उसमें हैं, और हम जो सुविधाएं की कमी रह गई है कहीं तो उनको पूरा करने के लिए हम बात करेंगे। हम कहीं ये नहीं कहते, हम तो ये चाहते हैं जो डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह चाहते थे, बराबरी का अधिकार। गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव वालों की नसों का खून जो बड़े लोगों की शरीर में आ गया जब तक वापस नहीं लौटेगा तब तक मैं ग्राम स्वराज नहीं मानूंगा, ये गांधी जी कह के मरे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक जो हमारा पैसा निकल 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 के बड़े लोगों के पास पहुंच गया जब तक ये वापस नहीं लौटेगा हम तो गांव की तरक्की नहीं मानेंगे। तो मैं हाँ मांग यही है कि गांव के लोगों को और फायदा हो, किसानों को फायदा हो, और चौधरी चरण सिंह जी का जो सिद्धांत नीति है, जो डॉक्टर लोहिया चाहते थे, जो हमारे बड़े लोग चाहते थे और जो गांधी जी चाहते, समरसता में सब एकता में रहे। थैंक यू।